अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले सामना का पल्ला रन बनाना बताया था आपको और मैंने एक पल्ला बनाया था, और इसी तरह दूसरा पल्ला भी आपको बना लेना है। मैंने दोनों पल्ला बना लिया था कि सेम, तो जो फ्रंट पल्ला एक जो बनती है उस तरह दूसरा भी पल्ला सेम ऐसा ही बनेगा। अब ये दोनों पल्ला को हम सीधा रखेंगे। यहाँ से 3 इंच में मार्क लगाएंगे पीछे का गले के लिए, क्योंकि पीछे का गला 3 इंच रहेगी। पहले एक पल्ला हम बैठा के देख लेंगे। ये हमारा बैक पल्ला है, इसमें एक चटका मार लेंगे पीछे की दिशा में। आ जाएगी ये जो मार्क है, इसके हिसाब से हम ऊपर में भी मार्क लगाएंगे। फिर उसके बाद इसको सीधा मार्क लगाएंगे। यह ऐसे पलटी हो जाएगी, ऑलरेडी इस तरह बन जाएगी, तो हम इसको एक सीधा मार्क लगाएंगे इसमें। अब इसको हम कट कर लेंगे। इसको थोड़ा, ये जो चिपका हुआ है थोड़ा सा उखाड़ लेंगे। ये जो ज्वाइंट है, ज्वाइंट में ज्वाइंट मिलेगी और एक दाब का मार्जिन से इसको पैक कर लेंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा क्रॉस किया है, या कॉलर के पास थोड़ा डाउन किया है, ऊपर क्रॉस किया है, तो ये कॉलर हमारा बैठेगी, क्योंकि पीछे थोड़ा राउंड होगी। इसको प्रेस मार लेंगे अच्छा से, स्त्री मार के इसको फोल्ड कर लेंगे। फिलहाल में ये कच्चा सिलाई मार लेते हैं, ताकि बाद में ये इसको इस तरह से हम अच्छा से बैठा लेंगे। सबसे पहले बैक पल्ला को हम इस तरह रख लेंगे। 20 सेंटर से इसका कॉलर लगाएंगे। पलटी मारेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा।
एक बैक पल्ला भी, ये इसका जो अस्तर है इसको भी हम इसी तरह से चिपका लेंगे, लेकिन इसका जो गला का गोलाई ज़्यादा है इसको हम कम कर लेंगे, क्योंकि ये जो कॉलर ऐसा कॉलर में है ना, ये ऐसा राउंड नहीं करती है, स्ट्रेट करती है, जैसे ये स्ट्रेट है उस तरह यहाँ पे भी स्ट्रेट करती है, क्योंकि मुझे आदत पड़ा हुआ था इसका राउंड वाला कटिंग करने का, इसलिए मिस्टेक हो गई है। हम इसको यहाँ से मिला लेंगे, क्योंकि हम यहाँ से इसका थोड़ा सा कपड़ा वो कट किए थे, ये आरमोल कम हो गई होगी, तो हम इसको आरमोल बराबर करेंगे पहले। और ये जो पाइपिंग लगा है ना, पाइपिंग की वजह से भी ये जो आरमोल का जो सेप है वो ख़त्म हो गई है, तो हम इसको इसके हिसाब से अंदर के हिस्सा में हम इसको आरमोल को कट करेंगे। यहाँ से हम इसको टोटल है 36 इंच चेस्ट, थोड़ा बढ़ के रख लेंगे तो कोई बात नहीं है, ये इतना तो बटन जाएगी, तो हम यहाँ से नापेंगे, यानी 1.25 इंच पे नापेंगे, तो हम यहाँ से 9.5 पे मार्क लगा लेंगे। अब यहाँ से बैक कितना आ रही है, बैक आ रही है 17 इंच, यानी 17 इंच, 8.5 इंच, 8.5 इंच, और यहाँ से नापिए तो कितना है, 36 इंची परफेक्ट आ गई है। इसी तरह से हम वेस्ट का और हिप का नाप लगा के मार्क लगा के उस साइड को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हमको इसको भी कटिंग करना है, फिलहाल मैं एक ही साइड का कटिंग कर रहा हूँ, इसके हिसाब से हम दूसरा साइड का भी कटिंग करेंगे। पहले देख लेंगे कि कपड़ा हमें कितना, इसको इतना दूर बैठा के
दूसरा पल्ला क्या कीजिएगा, यहाँ से ऐसे बराबर करके, यहाँ ऐसे मिला के इतना पकड़ लीजिए। पकड़ने के बाद नीचे से सिलाई मारना है। इसी तरह से इसका ये जो अस्तर है क्योंकि अस्तर को हम कट नहीं किए हैं, इसको भी हमको इतना ही कपड़ा को कटिंग करके निकालना है। अस्तर को भी इसी तरह जैसे हम फ्रंट को सिलाई मारे इस तरह इसको भी हम सिलाई मारे। अब इसको क्या करेंगे, अब इसमें इस्तीरी का काम